कुछ ही दिन में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। दर्शकों पर इसका बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन वार्म मैच के साथ खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबरें भी आने लगी। शुक्रवार को विश्व कप में हिस्सा ले रही कई टीमों के लिए बुरी खबर आई। अलग अलग टीमों के 5 खिलाड़ी चोटिल हो गए। कौन कौन से हैं वो 5 खिलाड़ी, देखिए। शिखर धवन को लगी चोट। प्रैक्टिस मैच के दौरान एक शॉर्ट पिच गेंद तेजी से आकर धवन के हेलमेट में लगी। उनके मुंह से खून भी निकला, लेकिन फिलहाल वो ठीक बताए जा रहे हैं। विजय शंकर हुए चोटिल। ऑलराउंडर विजय शंकर ट्रेनिंग सेशन के दौरान अपना दायां हाथ चोटिल करा बैठे। उनके दाहिने हाथ पर चोट लगी। चोट लगने के बाद उन्हें दर्द से कराहते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्हें टीम फिजियो की मदद लेनी पड़ी। मॉर्गन की उंगली में लगी चोट। प्रैक्टिस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन के बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई। ईसीबी के एक संक्षिप्त बयान में कहा गया, यॉन मॉर्गन को सुबह में अपनी बाई तर्जनी उंगली में चोट लगी। एहतियात के तौर पर उन्हें एक्सरे के लिए अभ्यास के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है। मोहम्मद शहजाद भी घायल। अफगानिस्तान के विकेटकीपर और तूफानी ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद भी प्रैक्टिस मैच के दौरान घायल हो गए। अभ्यास मैच में मोहम्मद शहजाद की पैरों की मांसपेशियां खिंच गई। अविष्का भी हुए चोटिल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में श्रीलंकाई क्रिकेटर अविष्का चोटिल हो गए। फर्नांडो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।